हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ गिवन टर्म्स हैं उनका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। ये एक्सपेंशन टॉपिक की प्रॉब्लम्स हैं और हमें क्लियर है कि स्क्वायर है, तो हमने जो बेसिक फॉर्मूले हैं उसको पहले ही मेंशन कर लिया है कि हमें बार बार उसको देखना ना पड़े। a प्लस बी होल स्क्वायर सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब यहां पर अगर देखा जाए स्क्वायर तो सेकेंड फॉर्मूला यानी कि 3a माइनस 4b होल स्क्वायर दैट इज 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2 सॉरी माइनस है तो माइनस 3a 2 आगे ही आएगा क्योंकि ये 2 इसकी वजह से आता है। 2a a के प्लेस पे पूरा टोटल 3a एंड b के प्लेस पे टोटल 4b और अब इसका स्क्वायर यानी कि 9a स्क्वायर। 9a में भी कभी कभी कंफ्यूजन हो तो वो भी मैं बता देता हूं, 3a इंटू 3a कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई विद द कॉन्स्टेंट गिव्स 9 एंड a मल्टीप्लाई विद द 9 गिव्स a स्क्वायर। तो यहां से आपका आता है 9a स्क्वायर। अब नेक्स्ट प्लस 16 जस्ट लाइक दिस एंड माइनस 6 4 जा 24ab, तो आपका इसका स्क्वायर हो गया। अब इसी तरीके से अब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो 3a अपॉन 2b माइनस 2b अपॉन 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a अपॉन 2b स्क्वायर प्लस 2b अपॉन 3a स्क्वायर माइनस 2a यानी 3a अपॉन 2b एंड 2b अपॉन 3a। तो फ्रेंड्स यहां पर प्रोडक्ट में है, आपको पता है इस तरह से कैंसिल आउट हो सकता है, 3a से ये 3a कैंसिल, 2b से 2b कैंसिल। याद रखना जो रिड्यूस टर्म होगी, वेरिएबल हमेशा लाइक की कंडीशन में रिड्यूस होता है, टर्म्स हमेशा नंबर्स यानी के न्यूमेरिकल की फॉर्म में ही रिड्यूस होता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो अब ये हो जाएगा 9a अपॉन 4b, 9a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर माइनस 2। इसको इससे या इसको इससे काट रिड्यूस करने की या कट करने की गलती बिल्कुल मत करना क्योंकि यहां एडिशन में है और ना ही एलसीएम लेना है, ये आपका यहीं पर सॉल्व हो गया। अब इसके लिए ये कैसे स्क्वायर, अगर हमें इसके स्क्वायर का मतलब हो गया तो स्क्वायर मतलब 502 स्क्वायर, मतलब इसी नंबर का स्क्वायर। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि आप 502 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई 502 इंटू 502 करके आ जाएं और बिना फॉर्मूले के शो करके आप इसको आंसर, आप आंसर भी लिख कर आएंगे लेकिन मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो याद रखना कि एक्सपेंशन का क्वेश्चन है तो विदाउट आइडेंटिटी आप नहीं कर सकते। अब हमने क्या किया, 502 को 500 प्लस 2 अलग अलग करके लिख लिया है और इसमें हम अब ये देखेंगे इसकी तरह हो गया, जहां पर ये जस्ट लाइक ए एंड दिस इज जस्ट लाइक बी। तो मीन्स 500 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 500 इंटू 2 और ये आपका आ जाएगा 2540 प्लस 4 प्लस आपका हो जाएगा 2000 मतलब हो जाएगा पर 252 और ये 20 और ये आपका आ गया 4। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जब लिखेंगे, साथ में ये चीज और है मैंने यहां लिखा है, आप हर क्वेश्चंस के लिए अलग अलग जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसको मेंशन करेंगे। तो फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया आपको प्रॉब्लम्स। नाउ अब नेक्स्ट आपकी जो प्रॉब्लम है थोड़ी सी खास है, इसमें स्क्वायर लिखना है और हम इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं 2a माइनस बी माइनस 3c से। इस क्वेश्चन को मैं आपको तीन तरीके से एक्सप्लेन करके दिखाता हूं कैसे कैसे आप इसको अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहला एक तरीका a माइनस बी माइनस 3c होल स्क्वायर, ठीक है, यहां पर मैं अप्लाई करूंगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर कैसे, इसका पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू सॉरी प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc
प्लस सी ए, ये आपका फॉर्मूला है मेन एडिशन के लिए। इस फॉर्मूले को हम इसमें कैसे अप्लाई करें जरा देखिए। अगर हम इसको लिख लेते हैं कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करके 2a प्लस और माइनस b, ये प्लस माइनस होके फिर से यही हो जाएगा प्लस माइनस 3c और ये आपका होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अब आप देखिए कि a जस्ट दिस, b जस्ट दिस एंड c जस्ट दिस, ये इसकी तरह से चेंज हो गया। अब हमें ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना इजी हो गया। अब हम इसको यूज करते हैं यहां पर, एक्सपेंड करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से, यानी कि 2a स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है a स्क्वायर है, प्लस b स्क्वायर, ये आ गया b स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3c स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर लिख लिया, b स्क्वायर लिख लिया और ये c स्क्वायर लिख लिया। चलो अभी हम साइन के साथ ही ले लेते हैं, फिर बाद में इसको एक्सपेंड कर लेंगे। प्लस 2, अब यहां से ये ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं 2a, a मींस 2a, b, b मींस माइनस b, और माइनस b के लिए मैंने आपको बताया कि हमेशा आप इसको माइनस को ब्रैकेट में रखें ताकि कोई गड़बड़ नहीं हो। प्लस b माइनस b, c माइनस 3c, प्लस c मींस माइनस 3c और a मतलब माइनस सॉरी प्लस 2a। तो फ्रेंड्स आप देखोगे हमने टर्म्स फॉर्मूला यही यूज किया है और माइनस, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइन, लेकिन यहां पर आपको साइन रूल फंडामेंटल से बिल्कुल क्लियर कर लेना होगा। अब स्टार्ट करते हैं 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर। अगर फ्रेंड्स हम इसको ऐसे कन्वर्ट नहीं करेंगे, ब्रैकेट में नहीं रखेंगे, तो हम यहां पर भी माइनस साइन लगाकर गलती कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। आगे देखें, अब हम इसको अंदर भी मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में ये भी करते हैं, प्लस ये सिंगल माइनस है तो आपको पता है माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस होके माइनस, माइनस 2 2 4 ए बी, ए और बी की मल्टीप्लाई ए बी और 2 2 4, प्लस माइनस माइनस प्लस बिकॉज ये दो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस है, फिर बाहर भी प्लस है तो ये आपका तीनों प्लस होकर आएगा। अब मल्टीप्लाई यानी कि 3 2 6 बी सी, और अगर इसी तरीके से हम इसकी बात करते हैं तो 2 3 6 और किसका, क्योंकि सिंगल माइनस है तो माइनस और ये प्लस, प्रोडक्ट रूल माइनस आ जाएगा और यहां पर भी आपका प्लस ही है तो ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस और 6 और 12 सी ए और ये आपका आंसर हो गया। अब फ्रेंड्स एक बात है कि यहां पर हमने क्यों नहीं छोड़ा, अंदर ही मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं, ये है एक्सपेंशन तो हमें पूरा एक्सपेंड करना होगा, इसलिए हमने इसको 2 को भी मल्टीप्लाई कर लिया। आप चाहें तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर एक और स्टेप ऐड करके 2 से कर लीजिए। नेक्स्ट है एंड लास्ट है, ये भी न्यूमेरिकल है। अब इसको हम दो तरीके से कर सॉरी अभी इसमें हमें एक और चीज बतानी है, वो क्या है, अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व करना चाहें तो कैसे होगा। जरा फ्रेंड्स देखिए 2a माइनस बी माइनस 3c, ठीक है, अगर मैं इसको यहां पे पार्ट कर लूं और यहां पे इसको पार्ट कर लिया और तब इसका स्क्वायर करता हूं तो ये पूरा एज अ ए और ये पूरा एज अ बी, तो ये बन जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर ये ऐसे हो गया तो फिर कैसे हम यूज कर सकते हैं, अब हमारे पास कंडीशन बन जाती है ये वाली, इसके हिसाब से हम इसको ओपन कर सकते हैं 2a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 3c होल स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस और माइनस 2ab यानी कि 2a माइनस बी एंड c 3c। ओके नाउ अब हमें इसको ओपन करते हैं तो ये आपका आ जाता है 4a स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab और प्लस 9c स्क्वायर माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई भी करेंगे हम 2 2 4 4 3 12 और साथ में ये माइनस यानी कि 12ACA और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और इसके साथ भी होगी तो माइनस माइनस प्लस क्या जाएगा आपका
टू थ्री जा सिक्स, सिक्स प्लस सिक्स बी सी। अभी आप देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स आ गई हैं, फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस नाइन सी स्क्वायर माइनस फोर ए बी प्लस सिक्स बी सी माइनस ट्वेल्व सी ए। अगर आप इसको टैली करें तो ये आंसर और ये आंसर सेम है। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक और मुझे मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने इसको टू ए माइनस बी माइनस थ्री सी होल स्क्वायर है और इसको ए माना और ये बी माना तो क्या चेंज आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज यहां पर आएगा। वो चेंज ये है कि जब आप इसको टू ए लिखेंगे और यहां पर तो ये एक इस तरह से ब्रैकेट में बंद होगा, और जब ब्रैकेट में बंद होगा तो इसका साइन ये चेंज हो जाएगा और इस साइन चेंज होने की वजह से यहां पर कुछ एरर प्रोबेबिलिटी अगर हो जाती है। अगर आप ये साइन रिमेंबर रखते हैं तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व होकर ऐसे आएगी। अब ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होगा और उसके बाद फिर से आपको यही आंसर मिल जाएगा। ये दोनों बातें मैंने इसलिए बताई आपको कि हम ये बना लेते हैं या फिर ये बना लेते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे एरर हो जाती है। अगर ये बनाते हैं तो आपका इस तरह से है और अगर ये बनाते हैं तो आप ये माइनस साइन को कॉमन लेंगे और फिर आप अप्लाई करेंगे, ये क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है आपका 97। 97 के लिए आप 90 प्लस 7 और 100 माइनस 3 दोनों ही चीज कर सकते हैं, पर हम हमेशा उस नंबर को लेते हैं जिसका मल्टीपल 10 हो या फिर 0 हो, उसके नियरेस्ट नंबर्स बनाते हैं। जैसे यहां पर आपने देखा यहां पर क्या था 500 था तो हमने 10 का मल्टीपल, यहां पर भी हमने क्या करा है इसका ये 10 का जो कि 100 इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ दिस अगर हम करते हैं तो यहां पर देखिए आपका 10,000 और यहां पर अगर करते हैं तो ये आता है आपका 81,100। तो हम इसको जरा ओपन कर लेते हैं, ये आएगा आपका 10,000 प्लस 9 माइनस 6,000 क्योंकि आपका होगा ये 2AB का मतलब ये हो जाएगा और फिर उसके बाद आप इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 9 और 0 क्योंकि प्लस है तो यहां पर हम सीधे 600 को माइनस कर लेते हैं और ये हो जाएगा आपका 9 और ये 9409। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या ये चीज आ जाएगी हमारे पास, इसको लेकर आते हैं 900 प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8100 प्लस 749 और प्लस 97 जा 63 टू जा 126। तो फ्रेंड्स एक चीज आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नंबर आ रहे हैं जबकि यहां पर आपका इजीली हो रहा है, तो बेहतर यही है कि जो आपका इजी टर्म्स होगा उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए सिर्फ इतना ही स्क्वायर में। थैंक यू।